हेलो फैमिली, वापस आ चुके हम लोग सुसाइड स्क्वाड के एक और नए एपिसोड के साथ। तो अगर आप लोगों को मेरा एक्सपीरियंस अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पर सेट कर देना। तो लास्ट एपिसोड में देखा था कि वो लोग फिशिंग करते हुए जवान को पकड़ लेते और डरसन होते रोनाल्ड से बोलते कि रोनाल्ड इस बंदे के पास वर्ल्ड पावर। बोलता है इसका मतलब क्या है, वो बताती है कि वर्ल्ड पावर का मतलब ये है कि हम लोगों ने एक गॉड को पकड़ा, ये एक गॉड है। और साथ ही बोलती है कि हाँ ये पक्का गॉड है, ये पक्का गॉड है। रोनाल्ड जो होता है एंडरसन से बोलता नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मुझे ये गॉड नहीं लग रहा। बोलती है कि अगर ये गॉड नहीं तो इसके पास कुछ ना कुछ ऐसा चीज़ है जिसकी मदद से हम लोग कह सकते हैं कि इसके पास गॉड का पावर है, वर्ल्ड का पावर है। रोनाल्ड जो होता है उसे बोलता है कि ये बंदा जो गॉड नहीं हो सकता, क्योंकि जितने भी गॉड होते हैं उन लोग के पास सोल बॉडी नहीं होता, उन लोग के पास अपना बॉडी नहीं होता, उन लोग का बस सोल होता है वो लोग किसी और बंदे के बॉडी में जाके, मतलब कि किसी और बंदे के बॉडी को प्रोसेस करके अपना काम सारा करते हैं। साथ ही उन्होंने जो था एंडरसन से आगे बताया कि जितने भी गॉड है वो बिलीव और अवतार की मदद से यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं, उन लोग का कोई भी फिजिकल बॉडी नहीं होता। और यही तो बेसिक प्रिंसिपल है एबिस का। वो बोलती है क्या तुम अपना जो नॉलेज है वो मेरे सामने शॉप कर रहे हो। बोलते नहीं ऐसी बात नहीं, ये सब तो तुमने ही मुझे पर्सनली तौर पे सिखाया। साथ ही वो आगे बताता है कि ऐसा भी तो हो सकता है ये किसी और गॉड का अवतार या फॉलोवर हो सकता है, क्योंकि तुमने इसको अंदर वर्ल्ड पावर महसूस की है। लेकिन तभी दिखाते हैं रोनाल्ड जो तो काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है। बोलती कि रोनाल्ड क्या तुमने कुछ यहाँ पे स्ट्रेंथ फील किया, तुम इतने अचानक से शौक क्यों हो गए। बोलता कि आखिर ये बंदा है कौन और तुमने मुझे ये बताया कि ये बंदा जो केओस से आया है। और वैसे भी एबिस में इकलौता ऐसा जगह, मतलब एबिस ये जहाँ पे गॉड्स अवेलेबल होते हैं, एग्जिस्ट करते हैं, तो चाओस में तो कोई गॉड है ही नहीं। हो सकता है ये किसी और गॉड का अवतार या फिर उसका फॉलोअर होगा, वरना जितने भी हम लोग ने आज तक ये सब एबिस और गॉड्स के बारे में समझा वो सब बेकार हो जाएगा, उन लोग का कोई मतलब नहीं बनेगा। एंडरसन जो आगे बताती है कि उसमें एक गॉड है और वो गॉड जो काफ़ी ज़्यादा डेंजरस और काफ़ी ज़्यादा पावरफुल, लेकिन उसके ये अवतार नहीं होता, ये बंदा जो होता है उसका अवतार नहीं हो सकता, उसका सक्सेसर नहीं हो सकता, इसलिए हम उस बंदे यानी सोल किंग को इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे। साथ ही जो रोनाल्डो तो फिर से बोलता है कि क्या ये सोल है, ये सच में क्यों से आया है। बोलती कि मैं कसम खा के बोलती हूँ मुझे पक्का पता है कि ये बंदा जो सोल जो है, ये जो सोल है वो क्यों से आया है। बोलता है कि ये तो एक गॉड भी है ना। बोलती है कि हाँ अगर ये किसी का फॉलोअर अवतार नहीं है तो ये पक्का गॉड ही है। साथ ही वो आगे बताता है कि गॉड है, आपको कुछ ना कुछ इसके बारे में जरूर पता है, प्लीज़ मुझे बताइए, क्योंकि आपने सबसे पहले ये चिल्ला के बोला था कि ये एक डेफिनेटली गॉड है, ये एक डेफिनेटली गॉड है। वो उसे कहानी बताती कि रोनाल्ड तुमने कहानी के बारे में सुना है जो उसकी स्ट्रॉन्ग रैट है। वो बता उस कहानी का आगे एक्सप्लेन करती है कि काफ़ी समय पहले एक यूनिक रैट था जो कि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था और उसके पास काफ़ी ज़्यादा पावर थी, और वो जो चूहा था किसी का छोड़ा हुआ नहीं खाता था और अपना शिकार खुद से करता था, और अपने से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल और स्ट्रॉन्ग जो प्रे थे उन सबको भी मार के खा जाता था, और इसलिए वो जो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनता गया था। और जब वो मतलब ये सब समझ पाता वो सच में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया, और वो कैट से भी नहीं डरता था, और उस कैट से भी जो कि उसको खाने के लिए आता था उससे भी वो फाइट कर लेता था और उसको भी हरा देता था। वैसे भी उसके पास जो बॉडी था वो एक रैट था का था, लेकिन फिर भी वो एक रैट नहीं था, वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो गया था। और जब वो ये मोमेंट उसने ये रियलाइज़ किया कि वो एक रैट नहीं कहला सकता, तो सारे जो भी बाकी के रैट थे उससे डरने लगे थे, क्योंकि वो रैट जो था वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो गया, मतलब बाकी के रैट जो थे इसको अपने बिरादरी में नहीं शामिल करते थे, और ये जो रैट था फाइनली एक कैट का रूप ले चुका था, जिससे देख के सारे जो बाकी रैट होते वो डरते थे। रोनाल्डो तो बोलता है कि गॉडेस आपने ये मुझे स्टोरी समझा, इससे मैं क्या मतलब निकालूं। वो बताती है कि जो भी रैट की मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ उन सबको हम लोग इस वर्ल्ड में अवेकनर्स कहते हैं, और वो जो अवेकनर्स होते हैं गॉड के रैंक पे पहुँच जाते हैं, जबकि वो अपनी लिमिट को क्रॉस करते हैं, अपने जैसे जितने भी बनते होते हैं उन सबकी लिमिट को क्रॉस करके काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बन जाते हैं, तो एक गॉड लेवल पर पहुँच जाते हैं। और साथ ही वो आगे बताती है कि जो भी नॉर्मल रैट होते हैं उन सबका अपना एक वर्ल्ड होता है, अपना एक वर्ल्ड को लोग रिप्रेजेंट करते हैं, वो लोग भी जो इस सिस्टम के अगेंस्ट जा सकते हैं, और वो लोग काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, वो लोग सबसे फाइट कर सकते हैं, अपने जो नेचुरल प्रिडिक्टेटर्स हैं उन सबसे आप भी फाइट कर सकते हैं। साथ ही वो आगे बताती है कि इकलौता बिंग जो कि गॉड के पावर को मेंटेन कर सकता है, प्रोसेस कर सकता है, और उसके पास सोल किंग सोल बॉडी भी हो, वो और कोई नहीं अवेकनर ही हो सकता, मतलब कोई अवेकनर बंदा ही ऐसा हो सकता है जिसके पास अपना सोल बॉडी हो और उसके पास गॉड का पावर हो, वर्ल्ड पावर। वो बताता है कि हम इसका मतलब ये कह रहे हो कि ये जो बंदा ये अवेकनर है। बोलती है कि मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन फिर भी इसके चांसेस काफ़ी ज़्यादा है कि ये बंदा अवेकनर हो सकता है। रोनाल्डो होता है एंडरसन से पूछता है क्या ये क्रैक से हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे एक और लैंड है क्रैक, एक एबिस है, एक केओस है, एक ऑलमाइटी लैंड है और एक क्रैक। तो क्रैक में जो मेनली टेररिस्ट के ग्रुप होते हैं, और आपको याद होगा टूर्नामेंट के समय एक लड़की आई थी ब्लैक ड्रेस पहन के जो कि इसको अपना मास्टर कहती, बुड्ढे को अपना मास्टर कहती, वो भी क्रैक से आई थी। बोलती कि नहीं मुझे ऐसा नहीं लगता। बोलता है कि अच्छा तो तुम इसके साथ क्या करने वाले। वो बोलती है एंडरसन जो होती बोलती कि ये बात इस चीज़ पर डिपेंड करता है कि ये बंदा जो है गॉड है या नहीं है। अगर इस गॉड नहीं हुआ तो इसको हम लोग एक्सेप्ट कर लेंगे और अपना पार्टनर बना लेंगे, लेकिन अगर गॉड हुआ तो इसकी पावर को मैं एब्जॉर्ब
कर लूँगी। और सबसे पहले हमको लोग को इसको उठा के कन्फर्म करना होगा कि ये बंदा गॉड है या नहीं है। साथ ही जो एंडरसन का फॉलोअर होता है रोनाल्ड, वो उसको उठाना स्टार्ट कर देता, बोलता है मैं उम्मीद करूँगा कि तुम एक गॉड नहीं हो, क्योंकि अगर तुम एक ह्यूमन होगे तो तुम हमारे न्यू फॉलोअर बन जाओगे और तुम इसके अवतार भी बन सकते हो, मतलब एंडरसन के अवतार भी बन सकते हो। लेकिन अगर अगर हम लोग को भी मतलब तुम एक गॉड निकले और हम लोग को तुम्हारी पावर को एब्जॉर्व करना पड़ा, तुमको मारना पड़ा, तो प्लीज़ हम लोग को हेट मत करना, क्योंकि ये हम लोग के लिए काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। साथ ही वो उसे सीने पे हाथ लगा के उसको जगाना स्टार्ट कर देता है, बोलता है कि ये काफ़ी ज़्यादा बुरी बात है कि अगर ये गॉड हुआ तो हम लोग को इसको मारना पड़ेगा और इसकी पावर को एब्जॉर्व करना होगा, ये एक लॉलेस रीजन है। यहाँ पे कैस्पियन में कोई भी लॉ काम नहीं करता, लेकिन फिर भी ये जो प्रोविटेड है, मतलब ये जो काम हम लोग कर रहे हैं ये कोई भी नहीं कर सकता, ये काफ़ी बड़ा जुर्म है। लेकिन अगर किसी गॉड को अपने पावर को काफ़ी जल्दी बढ़ाना, मतलब कि फास्ट फास्ट ग्रो करना है, तो उसको किसी और गॉड को मार के उसके पावर को एब्जॉर्व करना होगा, जो कि हम लोग यहाँ पे करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन फिर भी मैं इसको मारना नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ कि ये मेरा एक साथी बन जाए, ये हमारा एक फॉलोअर बन जाए, ये एंडरसन का एक फॉलोअर बन जाए। अगर ये फॉलोअर बन जाएगा तो तुम इसके अवतार भी बन सकते हो, मतलब वो बोल रहा था कि एंडरसन के तुम अवतार भी बन सकते हो और मेरे जो गॉड बन जाओगे। मुझे पक्का पता है तुम्हारे सोल जिसके अंदर इतना ज़्यादा वर्ल्ड पावर है, उसको सारे गॉड चाहेंगे कि वो उसका अवतार बन जाए, जितने भी गॉड है वो तुम्हें अपने गिल्ड अपना अवतार बनाना चाहेंगे। इसलिए मैं चाहता हूँ कि गॉडेस का तुम अवतार बन जाओ और गॉडेस की हेल्प करो। साथ ही अपनी एनर्जी को उस पर काफ़ी ज़्यादा रिलीज करता है और वो जो होता है फाइनल जवान को जगाने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पे दिखाते हैं उसे कुछ महसूस होता, बोलता है क्या, वो बोलता है कि गॉडेस यहाँ पे कुछ तो अजीब चल रहा है, गॉडेस गॉडेस, लेकिन उसके गॉडेस उसको आवाज़ नहीं देता, बोलता है कि मेरे गॉडेस से जो लिंक टूट चुका है, क्या किसी ने हमारा लिंक काट दिया, नहीं नहीं ऐसा यहाँ पे कुछ अलग ही फील हो रहा है। वो चिल्ला रहा था गॉडेस गॉडेस प्लीज़ मुझे आंसर दो, प्लीज़ मुझे आंसर करो गॉडेस गॉडेस। वहाँ पे दिखाते कुछ हंटर होते हैं, कुछ किलर्स होते हैं, वो फाइनली वहाँ पे आ जाते हैं, क्योंकि एक कैस्पियन जो एक प्रोहिबिटेड एरिया, यहाँ पे किलर्स लोग काफ़ी आराम से घूमते फिरते हैं, जो भी नॉर्मल इंसान यहाँ पे आता है उसको मार डालते हैं। बोलता है कि नॉर्मल सा जो लिंक डिस्कनेक्ट नहीं है, एक्चुअली यहाँ पे मुझे एंडरसन का प्रेजेंस भी फील नहीं हो रहा है, ऐसा आज से पहले कभी भी नहीं हुआ, यहाँ पे आज के चल क्या रहा है, यहाँ पे आके चल क्या रहा है। फाइनली मैं जवान के मेमोरीज के अंदर से सीन दिखाते जब वो केओस से एबिस की तरफ आ रहा होता है और उससे सोल किंग बोलता है कि तुम इस रास्ते से आगे की तरफ चलते जाओ तो तुम एबिस पे पहुंच जाओ। जवान जो आगे चलता जाता है वहाँ पे एक रास्ता मिलता है, बोलता है कि सोल किंग ने मुझे इसी एंट्रेंस के बारे में बताया था जो कि एबिस की तरफ ले जाएगा। एबिस एक ऐसा जगह जहाँ पे गॉड्स रहा करते थे और वहाँ पे मोनार्क जाने से भी डरते हैं, इसलिए मुझे अपना गार्ड हमेशा अपने आप को हमेशा प्रोटेक्टेड रखना होगा और हर मुसीबत से बचा के रखना होगा। लेकिन फिर भी यहाँ पे जितने भी मेंबर्स को मैं चाहता था कि मेरे साथ आए, यानी कि वो मेयर कैप्टन और बुड्ढा, वो सब मेरे साथ जा रहे हैं, ये तो काफ़ी अच्छी बात है। साथ ही जवान आगे बताता है कि मैं कैमान को भी अपने साथ ले जाना चाहता था, पर उसको यहाँ पे मैं अपने साथ नहीं ले जा सकता, क्योंकि केओस में किसी को रहना होगा और केओस की जो काम है काम झाम है उन लोग को संभालना होगा, तो जो कैमान है वहाँ पे अभी डिप्टी फोर्ट्रेस मास्टर, यानी फोर्ट्रेस मास्टर के एब्सेंस में फोर्ट्रेस मास्टर का काम करेगा। लेकिन एक बार हम लोग केओस में चले गए तो सारी जो मुसीबत है वो खत्म हो जाएगी। बुड्ढा बोलता है कि आखिर ये है क्या, वहाँ पे धुआं उठना ही स्टार्ट हो जाता है, ये देखिए जवान हो जाता है, शॉक हो जाता है और वो बुड्ढा और जो कैप्टन होता है उन सबसे साइड हो जाता है, वो लोग चिल्लाना स्टार्ट कर देते हैं जवान जवान तुम लोग कहाँ हो, जवान तुम कहाँ पे हो। लेकिन जवान जो होता है बोलता है कि आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है, इन सबका प्रेजेंस अचानक से डिसअपीयर कैसे हो गया। और मुझे तो सोल किंग की भी जो एनर्जी का प्रेजेंस था वो भी फील नहीं हो रहा है, यहाँ पे चल क्या रहा है। वहाँ पे फाइनली वो क्रैक से आई हुई लड़की जो होती है फाइनली जवान के सामने आ जाती है, बोलती है क्या मैंने तुमको सरप्राइज कर दिया, काफ़ी समय बाद तुमसे मिल रहे हैं गॉर्जन फोर्ट्रेस मास्टर जवान। साथ ही बोलती कि हमारा फर्स्ट मीटिंग है टूर्नामेंट के बाद, क्योंकि टूर्नामेंट में जवान जो होता है उससे मिला हुआ होता और ये लड़की उससे बिना फाइट किए वहाँ से चली जाती है। जवान सोचता कि ये तो कैप्टन है उस क्रैक की, मतलब क्रैक एक ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे बहुत सारे लोग रहते हैं, तो उसकी ये कैप्टन है और इस लड़की का नाम सियोला, ये जो वेमन मेरे सामने खड़ी कम से कम लेफ्टिनेंट जनरल के इतना पावरफुल है, मतलब कि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। जवान जो होता है अपने शॉर्ट को निकालना स्टार्ट कर देता, बोलता है कि तुम लोग यहाँ पे क्या करने के लिए आई हो, बोलते कि तुम्हें यहाँ पे ज़्यादा मतलब कि गुस्सा होने की रूढ़ होने बिहेव करने की जरूरत नहीं, मैं यहाँ पे बस एक बैरियर बनाया क्योंकि मैं तुमसे कुछ पर्सनल तौर पे बात करना चाहती हूँ। उसका जो साथ एक मेंबर होता है जिसने इस बैरियर को क्रिएट किया होता, बोलता है कि कैप्टन हम लोग को जल्दी से जो काम है वो करना होगा, क्योंकि ये जो हमारा बैरियर है वो सोल किंग के खिलाफ है और सोल किंग के खिलाफ हम लोग ज़्यादा देर नहीं टिक सकते। बोलती हाँ ठीक है ठीक, मुझे इन सबके बारे में पता है, मैं यहाँ पे जल्दी अपना काम कंप्लीट कर लूँगी। साथ ही वो बोलती कि हम लोग क्रैक से आए और हम लोग सारे चीज़ों के ऊपर वॉच रखते हैं जो कि यहाँ केओस में होता है, लेकिन हम लोगों ने कभी भी ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम सोल किंग को भी इन सब में घसीट लोगे और उसकी मदद से सारे जितने भी मोनार्क यहाँ पे 100 मोनार्क को मार डालोगे। उस एक्सीडेंट के बाद तो तुम्हारा नाम काफ़ी ज़्यादा फैल चुका है, तुम्हें ग्रेट मोनार्क मैस्कर भी बुलाया जाता है। जवान बोलता है कि इन सब बातों को यहाँ साइड में रखो और जो कहने के लिए आए वो कह दो। बोलती है कि तुम तो काफ़ी ज़्यादा इंपेशेंट हो और तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी बात मानूंगी, चलो ठीक है मैं डायरेक्ट जो मुद्दे की बात करने आई वो तुमसे करूंगी। वो बोलती है कि तुम ज्वाइन को
ज्वाइन द क्रैक, क्रैक को ज्वाइन कर लो। जवान बोलता है क्या, वो बोलती है कि हम लोग ने तुमको अभी तक इसलिए छोड़ दिया था क्योंकि तुम जो डायरेक्शन में जा रहे थे उन लोग से डिफरेंट नहीं था, हम लोग भी यही चाहते थे कि मोनाक जो मर जाए, और तुमने भी बिल्कुल वैसा ही किया, लेकिन फिर हम लोग ने अपना माइंड चेंज कर लिया जबकि हमने ये देखा कि तुम एक टेक्निक को यूज कर रहे थे। मुझे नहीं पता वो टेक्निक तुमने कहाँ से सीखा। साथी को जवान से बोलती है कि मुझे नहीं पता कि तुमने ये कहाँ से सीखा, लेकिन जो ब्रेन लिंक स्लैश जो कि तुम यूज करते वो मेजरली रैंक के बंदे यूज करते जो कि कैप्टन रैंक या फिर उससे ऊपर के रैंक के होते हैं। जवान जो होता है ये सोच रहा होता है कि इसका मतलब जो मैं लिंक स्लैश यूज करता हूँ ब्रेन लिंक स्लैश उसको बाकी के बहुत सारे भी बंदे जानते हैं। साथ ही वो बोलता है, उन सबसे बोलता है कि क्या तुम मुझे ये कहना चाहते हो कि ये जो टेक्निक है बस तुम्हारे लोग यूज कर सकते हैं और कोई भी यूज नहीं कर सकता। बोलती है टेक्निक जो काफ़ी डेंजरस है क्योंकि इसकी मदद से हम लोग किसी के भी सोल को इटर्निटी के लिए डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, वो सोल दोबारा कभी भी अपीयर नहीं कर हो सकता। ये कैसा टेक्निक है, ये कैसा टेक्निक है जो किसी जो क्रैक के बंदे वो यूज कर सकते हैं। साथ ही जवान जो होता है उसे बोलता है कि अगर मैं मरने नहीं चाहता तो मुझे तुम्हारे क्रैक को ज्वाइन करना होगा, क्या तुम यही कह रहे हो ना, लेकिन मैं इस ऑफर को रिफ्यूज करता हूँ। साथ ही अपने शॉट को लेकर उन सब अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है। बोलती है कि तुम लगता है कि मैं तुम्हारे साथ मजाक कर रही हूँ, क्या तुम्हें लगता है कि तुम मेरे साथ हैंडल कर सकोगे क्योंकि तुम्हारी बॉडी इतनी ज़्यादा कमजोर हो चुकी है 100 मोनार्क से फाइट करने के बाद। साथ ही उसका जो बंदा होता है पीछे से बोलता है, बोलता है कैप्टन तुम सिर्फ अभी फाइट नहीं करने वाली हो ना क्योंकि ये जो बैरियर काफ़ी जल्दी खत्म हो जाएगा। उसके बाद सोल किंग जो यहाँ पर हम लोग के साथ फाइट करने के लिए आ सकता है, और अगर हम लोग ने इस बंदे के साथ यानी जवान के साथ फाइट किया और इस बंदे ने अपना जो ब्रेन लिंक स्लैश हम लोग के ऊपर लगा दिया तो हम लोग यहाँ पर ट्रैप हो जाएंगे, हम लोग का सोल जो खत्म हो जाएगा। वो काफ़ी गुस्से के साथ उसके तरफ देखती है, बोलती है क्या तुम ये कहना चाहते हो कि मैं इस बंदे के साथ यानी जवान के साथ फाइट करने में हार जाऊंगी। बोलता है नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन वो लड़की जो थी वापस से घूम जाती है। बोलती है चलो ठीक है जवान, तुमने मेरे ऑफर को नहीं माना है, तुम इसके लिए जरूर फ्यूचर में रिग्रेट करोगे। साथ ही जवान जो था वहाँ पर खड़ा होता है और वो दोनों के दोनों बंदेबाज चले जाते हैं। जवान बोलता है ये लोग इसी तरह यहाँ से जा रहे हैं, मुझे लगा था यहाँ पे जो फाइट एक होने वाले मुझे इन सबको इसी स्ट्रीट में फाइट करना होगा और ये मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा डेंजरस हो सकता था, अगर ये लोग यहाँ से चुपचाप जा रहे हैं तो ये मेरे लिए बेस्ट होगा, लेकिन फिर भी मेरा यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वक्त जाया हो गया क्योंकि वो लड़की यहाँ पे आ गई, मेरा टाइम काफ़ी ज़्यादा बर्बाद कर दी। अब मुझे लगता है जो अभी इसका एंट्रेंस है वो भी क्लोज हो चुका होगा, और मुझे लगता है जितने भी बंदे यानी बुड्ढा कैप्टन और जो मेयर होती वो आराम से अभी पहुंच गई होगी इस गेट के क्लोज होने से पहले। अब मुझे जल्दी से जल्दी अभी जाना होगा ताकि मैं उससे वापस मिल सकूं, लेकिन ये मसला यहाँ पे ये है कि मैं वहाँ पे अभी इसमें जाऊँगा कैसे। जवान जो होता बोलता है कि मेरा पूरा बॉडी में काफ़ी ज़्यादा पेन हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं किसी भी वक्त पास आउट हो जाऊंगा, किसी वक्त मर जाऊंगा। तभी उसे सोल्किंग की आवाज़ आती है, सोल्किंग बोलता है कि तुम तो एकदम बेकार हो, तुम्हें तो कुछ भी समझ नहीं आता, चलो ठीक है तुम आ रहे नियरेस्ट जो लाइट दिखेगी उस लाइट को फॉलो करो, तुम अभी इसमें पहुँच जाओगे। जवान बोलता है कि फॉलो करना उस लाइट को, ठीक है चलो ठीक है मैं वही करूँगा। वो बोलता है कि रुक जा थोड़ा देर रुक जा, वहाँ पर दिखाते काफ़ी ज़्यादा लाइट निकलने लगती है और जवान जो होता काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है। सोल्किंग जो होता है जवान से बोलता है कि अगर तुम लकी होते तो तुम्हारी अगली बार जब खुलेगी तो तुम्हें इसमें होगी। जवान बोलता है कि तुम्हारे से क्या मतलब। साथ ही बोलता है कि मेरा बॉडी लगता है कि मैं यहाँ पे मर चुका हूँ, मुझे कुछ भी फील नहीं हो रहा, मेरा बॉडी बिल्कुल भी फील नहीं हो रहा, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं पानी के अंदर ट्रैप हो चुका हूँ, मुझे नहीं पता कि आखिर क्या वो मेरा बॉडी ऐसा क्यों फील हो रहा है, लेकिन मुझे काफ़ी ज़्यादा शांति का महसूस हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं एकदम पीस में पहुँच चुका हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं एक मछली बन चुका हूँ पानी में तैर रहा हूँ और कुछ चीज़ की मुझे फिक्र नहीं है। साथ ही वो अपनी आँख खोलता है, वो काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है क्योंकि वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लाइट होती है। बोलता है ये तो लाइट है जिसके बारे में सोल्किंग ने मुझको बताया था, मुझे इस लाइट को फॉलो करना होगा, ये मेरा अभी जाने का लास्ट चांस है। साथ ही उसके तरफ जाने लगता है, बोलता है कि मैं गिव अप नहीं करूंगा, मैं वहाँ पे जाऊँगा। वहाँ पे जा रहा था तभी दिखाता है कोई जोर से चिल्लाता है, वो और कोई नहीं एंडरसन होती है जो कि उसके वर्ल्ड में फंस जाती है, वो चिल्ला रही थी। जवान जो होता है बोलता है कि आखिर ये चिल्ला क्यों रही। जवान जो होता बोलता है आखिर ये जगह कौन सी है, ये तो एबिस नहीं लग रहा, ये जगह तो कुछ जाना पहचाना लग रहा। साथ ही वो आंखें खोलता है चारों तरफ देखता, बोलता है ये तो मेरा यूनिक वर्ल्ड। एंडरसन जो थी उसे बोलती रही थी कि क्या तुम्हें मेरी बात सुनाई दे रही है, क्या तुम मुझे सुन रहे, क्या तुम मुझे सुन रही, ये सब तुम्हारी गलती, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। जवान सोच रहा था कि ये लड़की इतनी ज़्यादा चिल्ला क्यों रही, आखिर ये मेरे वर्ल्ड में कैसे आ गए। साथ ही वो उससे पूछता कि आखिर तुम हो कौन और तुम यहाँ पे कैसे आए। बोलते कि ये कैसा बकवास कर रहे हो, तुम्हारी वजह से मैं यहाँ पे फंस चुके हैं और तुम मुझसे पूछ रहे हो कि मैं कौन हूँ। मैं एंडरसन हूँ, मैं एबिस की एक गॉड हूँ। और साथ ही बोलते कि तुमने मुझे यहाँ पे मार डाला और अब मेरा पावर जो अपने अंदर एब्सॉर्ब कर लिया, मैं यहाँ पे जिंदा नहीं बच सकती। जब बोलते कि मैंने तुम्हें मार डाला, पर मैंने ऐसा कब किया, मुझे तो पता भी नहीं चला। बोलते कि प्लीज़ बचाओ मेरा एक और लौता जो फॉलोअर है, उसे बचा लो, मतलब वो रोनाल्ड को बचाने के उसके लिए उससे प्रे करती, क्योंकि रोनाल्ड के पीछे जितने भी वो हंटर्स होते किलर्स होते वो पीछे पड़े होते, वो रोनाल्ड होता है जवान को अपने पीठ पे उठा के भाग रहा होता है। वो सोच रहा था ये काफ़ी ज़्यादा बुरा, ये लोग जो है यहाँ पे मुझे काफ़ी समय से देख रहे थे, मुझे और उस गॉडेस को देख रहे थे और अचानक से ये लोग यहाँ पे आ गए और ये लोग बोल रहे कि इस बंदी यानी जवान को मैं इन सब के हवाले कर दूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि अगर ऐसा किया तो गॉडेस जो यहाँ से चली जाएगी, मतलब मेरे जो गॉडेस का साथ है वो छूट जाएगा। साथ ही वो भागते भागते जाता है तो एक क्लिप के पास पहुँच जाते हैं कि
के बोलते हैं ये तो क्लिप है, अब मैं क्या करूँगा। जो किलर्स होते हैं वहाँ पे आ जाते, बोलते फाइनली मैंने तुम्हें, हमने तुम्हें पकड़ लिया, मैंने तुमसे कहा था ना कि उस बंदे को हमारे हवाले कर दो, जल्दी उस बंदे को हमारे हवाले कर दो जिसको तुम अपनी पीठ पे लेके जा रहे हो, तो शायद हम लोग तुम लोग को छोड़ देंगे। वो सोच रहा था कि ये सारे के अपीयरेंस के मुझे देख के लग रहा है ये लोग बैल्कन के हंटर्स हैं, किलर्स हैं, और ये लोग जो है काफ़ी ज़्यादा बुरे हैं, क्योंकि उन लोग का जो गॉड है वो एक मिड रैंक गॉड है और उसका मेन काम ही यही होता है दूसरों को मारना और उनसे सब उनका सामान छीनना, और ये सब सारे के सारे लोग काफ़ी ज़्यादा बुरा होते। मैंने इन लोग के बारे में सुना था कि इन लोगों ने अपना साइज जो एरिया है वो चेंज करके इस कैप स्किन में ले आए थे, पर मैंने ये भी नहीं सोचा था कि ये लोग का जो असलियत में साइट होगा वो फॉरबिडन एरिया फॉरबिडन ब्लू फ्रॉस्ट में होगा। अब मुझे क्या करना होगा, ये सारे लोग तो काफ़ी ज़्यादा बुरे, ये लोग तो मुझे मार डालेंगे, तुम लोग तो मुझे मार डालेंगे। उनमें से एक बंदा जो था आगे बढ़ता है बोलता है कि तुम वहाँ पर क्या बकवास कर रहे हो, तुम यहाँ पर हमारे जो एरिया वहाँ पर आके इलीगल फिशिंग करके हम लोग से जवान लड़ा रहे हो, चुपचाप उस बंदे जो कि तुम्हारे पीठ पे उसको रखो और यहाँ से दफा हो जाओ। बोलता है कि अगर मैं इसको यहाँ से जाने दूंगा तो मैं अपने गॉड इसको भी खो दूंगा, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दे सकता। अगर किसी का गॉड, मतलब मैं जिसको फॉलो करता हूँ, मेरा गॉड यहाँ पे किसी तरह से हार जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो मैं एक मॉन्स्टर बन जाऊंगा और इस फॉरबिडन एरिया में मेरी जो आत्मा है वो भटकती रह जाएगी। और इन सबसे ज़्यादा डरानी बात यह है कि मैं एंडरसन को खोना नहीं चाहती, वो एक लौती गॉड जिसने मुझे एब्बिस में बचाया था, इसलिए मैं उसको खोना नहीं चाहता। लेकिन तभी वो किलर जो आगे बढ़ता बोलता है क्या तुम अभी भी उस बंदे को नीचे नहीं रखने वाले हो, काफ़ी ज़्यादा मतलब गुस्सा हो जाता है और फिर जवान को पीछे की तरफ रखते हुए बोलता है कि मैं इसको तुम्हें हैंड ओवर नहीं कर सकता और मैं ऐसा कभी भी नहीं करूंगा, वो मेरा गॉड है, मैं तुम्हें उसे छूने भी नहीं दूंगा। साथ ही वो किलर आगे आप बढ़ता बोलता है अच्छा ऐसी बात है, साथ ही उसे किक मारते हुए पीछे की तरफ ढकेल देता है और बोलता है कि मैं इस बंदे को खुद ब खुद ले जाऊंगा, तुम्हें हैंडल करने की ज़रूरत नहीं है, और उसके ऊपर गुस्सा करने लगता है, अपना जो हथियार होता है उससे उसको पकड़ लेता है। ये देखने के बाद रोनाल्ड होता काफ़ी ज़्यादा डर जाता, बोलता है रुक जा। लेकिन तभी वहाँ पर दिखाते खून निकलने स्टार्ट हो जाता है और वो बंदे का हाथ जो होता कट के पीछे की तरफ उड़ने लगता है। ये देखने के बाद वो बंदा भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है, एंडरसन के मुँह पे भी ब्लड गिरता है और वो भी काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। तभी दिखाते उस बंदे का जो हाथ होता है पीछे की तरफ गिरता है और वो बंदा डर से चिल्लाने स्टार्ट कर देता है। वहाँ पर दिखाते जवान जो होता है फाइनल जाग जाता है, बोलते हैं कि मैं जब केओस में गया था तो वहाँ पर कम से कम मेरे पास कपड़े थे, भले वो गंदे थे, पर यहाँ पर मैं आया हूँ रब्बीस में आया तो पूरी की पूरी तरह नंगा हूँ, नकेड़ू, ये कैसे हो सकता है। साथ ही वहाँ पे दिखाते सारे बंदे, बोलते आखिर तुम हो कौन, उसको मारो, उस बंदे को मारो। वो लोग जवान को मारने के लिए आगे बढ़ते, लेकिन जवान जो था अपना स्टैप वाला ही टेक्निक को यूज़ करते उन सबको वहीं पर मार देता है। इतनी जोरदार पावर को देखते वजह से रोनाल्ड जो था काफ़ी ज़्यादा शौक में पड़ जाता। साथ ही रोनाल्ड जो था उसको एक बैकफ्लैश स्टोरी आता था, जब एंडरसन जो था इस नेकेड वाले एबिलिटी के बारे में उसको बता रहा था कि ये जो गेटिंग नेकेड है ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल एबिलिटी है, और ये एबिलिटी जो है ये मुझे मेरा अपना नहीं है, मैंने किसी और गॉड से मांगा था। बोलता अच्छा किससे, वो बताती है एक एंशियंट गॉड था जो कि सबसे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था, और वो सच में कुछ अजीब ही था। बोलता अजीब, लेकिन गॉड किस तरह के अजीब हो सकते हैं। वो बताते हैं कि वो काफ़ी ज़्यादा मर्सीलेस और काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, और वो सच में कपड़े पहनने एकदम बिल्कुल पसंद नहीं करता था, वो कपड़ा पहनना ही नहीं चाहता था, और वो एंशियंट गॉड जब किसी के सामने जाता था तो बाकी जितने भी बंदे उसके सामने होते थे वो लोग को भी अपने कपड़े उतार देना पड़ता था, क्योंकि वो किसी भी बंदे जो कि उसके सामने कपड़ा पहन के रहते थे उसको जिंदा नहीं छोड़ता था, हर कोई उससे दूर भागता रहता था और अपने कपड़े बचा के वहाँ से निकल जाता था। लेकिन लोगों को ये डर रहता था कि वो एंशियंट गॉड वहाँ पे आकर उन सबको मार डालेगा, इसलिए वो लोग उससे दूर भागते थे। बोलता है कि ये तो मुझे किसी ठर की कहानी लग रही है, मुझे किसी गॉड की कहानी बिल्कुल भी नहीं लग रही। एंडरसन जो तो बोलते कि तुम ऐसा सोच रहे हो, तुम्हारा सोचना सही है, लेकिन उस बंदे उस गॉड के हिसाब से असली फाइट तभी स्टार्ट होती है जब आप पूरी की तरफ नेकेड हो जाते हैं, कपड़े आपके फाइट के बीच में आते हैं, इसलिए कपड़े को खोलने के बाद अगर फाइट स्टार्ट करते हो तो आपकी पावर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। साथ ही जवान जो था आगे की तरफ बढ़ता है, बोलता है कि तुम क्या एंडरसन के फॉलोअर हो। बोलते हैं रुक जा। साथ ही जवान बोलता है कि अगर तुम उसके फॉलोअर हो तो मुझे एक हेल्प तुमसे चाहिए, उस लड़की को मेरे दिमाग से निकालो। उसके बाद सुने जो रोनाल्ड होता है काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है कि जवान क्या कह रहा है। जवान जो होता है वो वहाँ पे बताता है कि उसने क्वेश्चन वाले एबिलिटी को यूज करते हुए ये देखा था कि जो उसका वर्ल्ड पावर है वो फाइनली स्टोरी लाइन में बदल रहा है, मतलब जो कि उसमें पावर का लेवल होता है वो वर्ल्ड पावर के हिसाब से होता है, और अभी इसमें जो पावर का लेवल होता है वो स्टोरी लाइन के हिसाब से होता है, तो उसका पावर जो होता है स्टोरी लाइन में चेंज हो जाता है। बोलता है मेरा स्ट्रेंथ का इन्हेंसमेंट हो चुका है जो कि इस गेटिंग नेकेड वाला जो स्टोरी लाइन है उसकी वजह से हो रहा है। साथ ही जवान जो था वहाँ खड़ा हो जाता है, इधर उधर देखता है, बोलता है कि इस वर्ल्ड में काफ़ी डिफरेंस है, मुझे यहाँ पे थोड़ा सा भी स्पिरिट पावर महसूस नहीं हो रहा है, ये जो एबिस है पूरी की पूरी तरह से डिफरेंट है केओस से। साथ ही जवान जो आगे बताता है कि केओस में जितने भी स्पिरिट पावर को बंदे के पास होता है वो लोग उसको कलेक्ट करते हैं बाकी एरिया से और उसके बाद उससे अपने स्किल को एक्टिवेट करते हैं, लेकिन एबिस में आपके अंदर जो वर्ल्ड पावर पहले से मौजूद है उसी को आप प्योरीफाई करके और स्ट्रॉन्ग करके उसको यूज कर सकते हो, आप यहाँ पे बाहर से जो स्पिरिट पावर उसको यूज नहीं कर सकते, अपने अंदर के वर्ल्ड पावर को यूज करना होगा। साथ ही वो आगे सोचता है कि ये सब के बारे में मुझे मुल्लक के रिकॉर्ड से पता चला था, लेकिन जब मैं इसको एक्सपीरियंस कर रहा हूँ यहाँ रियल में तो ये काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट फील हो रहा है जैसे कि उस रिकॉर्ड में लिखा हुआ था। तभी जो रोनाल्डो था वो चिल्ला रहा था गॉड गॉड गॉड, प्लीज़ मुझे अपना एक फॉलोअर बना लो, प्लीज़ मुझे अपना फॉलोअर
बना दो। जवान जो था उसे बोलता है कि मैं तुम्हारा गॉड नहीं हूँ। एंडरसन जो थे बोलते कि अभी मैं पूरी तरह से यहाँ से गई भी नहीं और ये अपना पार्टी बदल रही है, अपने गॉड को बदल। रोनाल्ड जाता फिर से जवान से बोलता है कि प्लीज़ मुझे अपना फॉलोअर बना लो, प्लीज़ अपना फॉलोअर बना लो। और जो एंडरसन होती है वो जवान को बोलती है अगर तुमने इसको अपना फॉलोअर बनाया तो देख लेना मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगी। जवान बोलता है कि तुम दोनों के दोनों प्लीज़ पहले के लिए थोड़ी देर शांत हो जाओ। और साथ ही वो गुस्से के साथ अपनी एनर्जी को रिलीज़ करता, बोलता है दोनों के दोनों शर्ट अप वहाँ पर दिखा दे, काफ़ी ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है। देखने वाले रोनाल्ड का काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है और जो एंडरसन होती है वो भी फाइनली चुप हो जाती है। जवान होता बोलता है चलो ठीक है हम लोग बेसिक से स्टार्ट करते हैं। वहाँ पर वो बताता है कि मोनार्क जो माइटी लैंड में लैंड राज करते हैं उन सब अलग अलग रीजन होता है, और गॉड जो एबिस में राज करते हैं उन सबका भी अलग अलग लैंड हो। मेन डिफरेंस एबिस के गॉड में और ऑलमाइटी लैंड के मोनार्क में ये है कि एबिस के गॉड है वो अपने रीजन को काफ़ी अच्छे संभालते हैं, और गॉड का जो रीजन उसको वो लोग साइड कहकर बुलाते हैं। और हर एक सुपर मतलब साइड जो तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है, जितने भी हाईर रैंक के गॉड होते हैं उन लोगों के लिए, जितने भी स्मॉलर गॉड होते हैं उन सबका जो साइड होता है वो काफ़ी ज़्यादा छोटा होता है जो कि एक विलेज के बराबर होता है, वो लोग लो रैंक गॉड्स कहलाए जाते हैं। साथ ही जवान होता है उसे बोलता है कि तुम ये कह रहे हो कि एक साइड है वो लैंड के ही इस कॉन्सेप्ट के इक्वल है। यहाँ लैंड के इक्वल है मतलब सिमिलर है पर फिर भी थोड़ा ज़्यादा डिफरेंट है। साथ ही वो बताता है कि कुछ लैंड जो है जो लैंड मीडियम और लो लेवल के गॉड के होता है वो सारे मतलब गार्डन की तरह होंगे हाई रैंक गॉड के लिए, क्योंकि जो हाई रैंक गॉड होते हैं वो काफ़ी बड़े एरिया में राज करते हैं, और जो लो रैंक और मीडियम रैंक गॉड होते हैं वो काफ़ी छोटे एरिया में राज करते हैं, क्योंकि हाई रैंक गॉड का जो पावर होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है और वो लोग अपने यूनिक वर्ल्ड को काफ़ी ज़्यादा दूर अपने पूरे पूरे साइड पर फैला सकते हैं। जवान बोलता है अच्छा ऐसी बात है, इसका मतलब जो केओस है वो सोल किंग का एक साइट होगा। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि इस जगह पे भी जितने भी गॉड होंगे उन लोग का अलग अलग साइट होगा, और वो लोग अपने साइट में कहीं भी आ जा सकते हैं, और उन सब का जो पावर है वो पूरे के पूरे साइट के हिसाब से मेंटेन रहता है, वो लोग अपने साइट पे जो चाहे वो कर सकते हैं। साथ ही जो रोनाल्ड होता है वो बोल रहा था गॉड जवान गॉड जवान, तो जवान जो होता बोलता है कि प्लीज़ मुझे गॉड मत बुलाओ, प्लीज़ मुझे फिर सिर्फ जवान बुलाओ। रोनाल्ड होता बोलता है कि सर जवान क्या आप सच में गॉड एंडरसन को मार दोगे? वो जो होता है जवान जो होता मन में सोच रहा था कि ये मुझे इसलिए फॉलो कर रहा है क्योंकि इसे डर है कि ये अपने गॉड को खो देगा। जो एंडरसन तो बोलती है वो पूछती है जवान से क्या तुम सच में मुझे मानने वाले हो? वैसे भी तुमने मेरे जो पावर है उसको खत्म कर दिया, मुझे मार दिया, अपने यूनिक वर्ल्ड का यूज़ करते अब मैं जिंदा हूँ या मर जाऊँ इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं तुमसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि साथ ही वो उसे आगे बताती कि मुझे पता था तुम काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और तुम एक गॉड कहलाने के लायक हो, लेकिन जब से मैं तुम्हारे माइंड में तुम्हारे यूनिक वर्ल्ड में आई तब से मुझे पता चल गया था कि तुम वही बंदे हो जिसके बारे में मैंने र्यूमर सुना था। मोनार्क मास्कर का जो सीन है उसने तुमने किया था, तुमने 100 मोनार्क को अकेले मारा था सोल किंग के पावर को यूज करते हुए। जवान बोलता है कि हाँ जब तुम मेरी यूनिक वर्ल्ड में आ गए थे तब मुझे भी तुम्हारी मेमोरीज की काफ़ी अच्छी नॉलेज मिल गई थी। वो उसे बताता है कि मुझे ये पता चल गया था कि तुम क्या बिजनेस करती हो, तुम टावर वावर बनाती हो, तुम एक मेयर हुआ करती थी, नाइटमेयर हुआ करती थी। साथ ही वो उसे बताता है कि तुम एक कल्टिवेटर भी हुआ करती थी, क्योंकि टावर ऑफ नाइटमेयर को जाकर कंट्रोल करते हैं, उनमें से जो प्रोडक्ट होता है उन सबको निकाल के ऑलमाइटी लैंड में जाकर भेज देते हैं। साथ ही जवान जो उससे पूछा है तुम ऐसे काम क्यों करते हो, क्या गॉड बनना इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि तुम दूसरे लोगों की ज़िंदगी ख़त्म कर देती हो? वो बोलती है कि मैं तुम्हें जो एक्सक्यूज़ मतलब जो बताने वाली हूँ तुम्हें एक्सक्यूज़ के तौर पर लगेगा, लेकिन जितने भी कल्टिवेटर होते हैं उन सबका मेमोरी जो बिल्कुल तरह खत्म हो जाता है जब वो एक गॉड बन जाते हैं। जवान बोलता है कि अच्छा क्या तुम्हें कुछ भी याद नहीं कि तुम्हारे साथ क्या हुआ था और तुमने क्या क्या किया था? बोलती कि मैं जानती हूँ कि तुम क्या कहना चाहते हो, लेकिन फिर भी मेरा वैसा कोई टेंशन नहीं था, मुझे नहीं पता कि पास्ट में क्या हुआ। साथ ही जवान ज़्यादा बताता कि मुल्क के रिकॉर्ड में मुझे पता चला था जितने भी हाई एक्जिस्टेंस यानी कि एंजल या डेमन जो भी पैदा होते हैं को इसीलिए पैदा किया जाता है ताकि उन लोग को कल्टीवेटर बनाया जा सके, लेकिन फिर भी उन लोग के पास कोई चॉइस नहीं होता क्योंकि जैसे कोई इंसान है तो उसको आगे चल के पढ़ाई करके कुछ काम ही करना पड़ता है, मतलब ये फिक्स होता है, वैसे उन लोग का फिक्स होता है कि अगर एंजल या डीमन किसी को बिग ब्रदर ने बनाया तो वो आगे चल के कल्टिवेटर ही बनेगा। और वो बताता है कि भले ही रीजन जो भी हो लेकिन मैं तुम लोग को माफ़ नहीं करने वाला। उससे बोलती है तुम जो सोचना चाहो सोच सकते हो, मुझे उन सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम मुझे मारना चाहो तो मार दो, लेकिन इस बच्चे यानी रोनाल्ड को अपना एक फॉलोअर बना देना क्योंकि मेरे मरने के बाद ये बिल्कुल अकेला हो जाएगा। वो जवान जो था उसकी तरफ देख रहा था, बोलता है कि तुमने कहा कि तुम एक कल्टिवेटर हुआ करते थे तो तुम दूसरों लोगों के लिए इतना ज़्यादा वरी क्यों करती? बताती कि मैं तुमसे ये नहीं चाहूँगी कि तुम मेरे एक्शन को समझो या फिर मैंने जो भी किया उन सबको माफ़ कर दो, बट प्लीज़ मेरे साथ अगर तुम्हें कुछ दुश्मनी है तो उसको रोनाल्ड के ऊपर मत निकालना, ये एक बच्चा है इसको अपने पास संभाल के रखना। जानती हूँ तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है कि मैं गॉड थी और मैं एक कल्टिवेटर थी तो मैंने बहुत सारे बुरे काम किए थे, पर प्लीज़ सारे गॉड एक जैसे नहीं होते ये समझने की कोशिश करो, और मैं इस बच्चे को अपना समझती मतलब अपना फॉलोअर मानती हूँ, इसको अपने पास रख लो। ये भी मानती कि हम लोग को यानी डीमन और एंजल जो भी पैदा होते हैं उन सबको कल्टिवेटर ही बनना पड़ता है, और कल्टिवेटर के बाद उन लोग को गॉड के प्रमोशन दिया जाता है, लेकिन फिर भी मेरे पास अपने इमोशन है और मैं इस बच्चे के साथ काफ़ी ज़्यादा कनेक्टेड हूँ, इसलिए प्लीज़ इसको अपने पास संभाल के एक फॉलोअर बना लो। लेकिन तभी दिखाते जो रोनाल्ड होता है वो छींक मारता है, उसके मुंह से ब्लड निकलता, बोलता है कि मैंने तो यहाँ पे खून की उल्टी कर दी। साथ ही वो काफ़ी ज़्यादा चिल्लाना दर से चिल्लाना स्टार्ट कर देता है। एंडरसन जो थी वो रोनाल्ड चिल्ला रही थी, रोनाल्ड बोलता है कि मेरा बॉडी में काफ़ी ज़्यादा पेन हो रहा है,
साथ ही जो एंडरसन होती बताती नहीं नहीं ये तो डार्क सोल बनने वाला, और वो वहाँ पर बैठ जाता है डर से चिल्ला रहा होता है। जवान जो होता है उसके पास आता है और सोच रहा था कि ये डार्क सोल ये तो फैक्ट्री लीडर की तरह ही बन जाएगा, क्योंकि फैक्ट्री लीडर जो होते वो भी एक डार्क सोल होते हैं। साथ ही वो बताता है कि ये डार्क सोल बनेगा लेकिन ये एनिक की तरह नहीं बनेगा, क्योंकि एनिक जो था एक रेयर केस था और काफ़ी कम ही बंदे ऐसे होते हैं जो कि डार्क सोल बनने के बाद भी खुद को कंट्रोल कर पाते। ये डार्क सोल बनने के बाद खुद को कंट्रोल नहीं कर पाएगा और इधर से भटकता फिरेगा। ये जवान जो आगे बताते हैं कि अगर मैंने इसकी हेल्प नहीं किया तो इसी तरह चलता रहे तो ये मॉन्स्टर बन जाएगा। जो एंडरसन तो बोलती कि प्लीज़ इसका हेल्प कर दो, प्लीज़ इसका हेल्प कर दो, ये एक इंसान है बिल्कुल तुम्हारी तरह, प्लीज़ इसकी हेल्प कर दो। जवान जो था सोचता एक इंसान, क्या मैं एक इंसान हूँ, मुझे नहीं लगता कि मैं एक इंसान के नान के लायक हूँ। लेकिन एंडरसन जो थी फिर से बोलती कि मेरी गलतियों की सजा इसको मत दो, इस बच्चे को बचा लो प्लीज़, इसको जल्दी से जल्दी बचा लो। जवान बोलता कि अच्छा तो तुम मुझे यहाँ पे क्या करना होगा, बताते कि तुम्हें बस इसको अपने एक फॉलोअर बना लेना होगा क्योंकि तुम एक गॉड। साथ ही जवान बोलता है कि इसके बदले मुझे क्या मिलेगा, वो बोलती है कि मैं अगर तुम चाहो तो तुम मुझे अपनी मेमोरी से पूरी तरह मार मिटा सकते हो, मैं फिर तुम्हें कभी भी डिस्टर्ब नहीं करूँगी, ना ही कोई तुम अगर मुझे मारने आओगे अपनी मेमोरी से तो मैं थोड़ा सा भी रेजिस्टेंस नहीं करूँगी। जवान बोलता अच्छा ऐसी बात है, तुम अपने प्रॉमिस को याद रखना। साथ ही अपनी एनर्जी को रिलीज़ करना स्टार्ट कर देता है और अपने यूनिक वर्ल्ड को खोल देता है जिसके, और उसको यानी कि जो रोनाल्ड होता है उसको अपने एक फॉलोअर बना लेता है। रोनाल्ड जो होता है आँखें खोलता बोलता है मैं कहाँ हूँ, ये तो कैस्पियन नहीं है, तो ब्लू फॉरेस्ट एरिया नहीं है, ये कौन सी जगह, ये कौन सी जगह है। साथ ही वो अपनी आँखें खोलता बोलता है कि रुक, जितने भी फॉलोअर्स होते हैं वो अपने गॉड के यूनिक वर्ल्ड को देख सकते, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि ये जवान का यानी गॉड जवान का यूनिक वर्ल्ड और मैं इसके अंदर फंस चुका हूँ। साथ ही बोलता है कि गॉडिश एंडरसन जो है उसका एक फेयरी टेल का वर्ल्ड भी होता है, वो काफ़ी ज़्यादा प्यारा था, मुझे वहाँ पे काफ़ी अच्छा लग रहा था, लेकिन ये जो वर्ल्ड यूनिक वर्ल्ड है जवान का ये काफ़ी ज़्यादा अजीब है, इसने मुझे यहाँ पे अपने फॉलोअर बना के लिए आया। तभी उसका बगल में दिखाते एक खोपड़ी होता है, वो उस खोपड़ी की तरफ देखता और काफ़ी ज़्यादा डर जाता, डर से चिल्लाने स्टार्ट कर देता है क्योंकि वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो होते हैं हड्डियाँ पड़ी होती है, कौवे उड़ रहे होते हैं और काफ़ी ज़्यादा ड्रामा एक हेल की तरह सीन होता है। ये देखने के बाद वो बंदा जो होता है वहीं पे बेहोश हो जाता और इतना चिल्लाता कि बेहोश हो जाता है। जवान बोलता है ये तो बेहोश हो गया। एडर्सन जो थी उसे बोलते कि हाँ ये काफ़ी ज़्यादा छोटा और इतनी ज़्यादा डराने सीन देखने की इसको आदत नहीं, इसलिए ये बेहोश हो चुका है। जवान को तो सेमिंग्राम की बात याद आती, सेमिंग्राम ने उसको कहा था कि तुम्हारा जो ये वर्ल्ड है यूनिक वर्ल्ड है ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर होने वाला है बीच में, क्योंकि ये वर्ल्ड काफ़ी ज़्यादा डरावना है। साथ ही जवान जो था उसको उठा के वहाँ से ले जाना लगता, बोलता कि ये मेरी गलती नहीं है कि ये बेहोश हो गया, ये मेरा फॉलोअर बनना चाहता था, मैं क्या कर सकता, चलो ठीक है सब बात बेकार की बातों को हम लोग करना बंद करते और आगे बढ़ते हैं। साथ ही वो बोलती कि क्या तुम मुझे यहाँ पे मारने नहीं वाले, तुमने तो कहा था मुझे मार डालोगे, तुमने हमसे प्रॉमिस किया था, इसलिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा भी रेजिस्टेंस नहीं करने वाली, अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो तुम एक बार मुझे मार सकते हो। लेकिन जो रोनाल्डो अभी गॉडेस कर रहा होता है, जवान बोलता है कि मैंने अपना माइंड चेंज कर दिया। एंडरसन बोलती है क्या, बोलता है कि इसको प्रूव करो, इस प्रूव करो मैं तुम्हारी लाइफ छोड़ दूंगा, मतलब तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा तो तुम मेरा साथ दोगी। बोलती है थैंक्स जवान, मैं इसको डेफिनेटली प्रूव करके दिखाऊंगी कि तुमने मुझे जिंदा छोड़ा, इससे तुम्हें थोड़ा सा भी काटा नहीं होगा, बस फायदा ही फायदा होगा। वापस हमें कैपेसियन का जो 84th गेट होता है, मतलब जहाँ से उस ब्लू फॉरेस्ट एरिया से बाहर निकलते हैं वहाँ का सीन दिखाते हैं, वहाँ का गेट एंट्रेंस जो होता है फाइनली खुलता है, जवान जो होता है वहाँ से बाहर निकल रहा था, बोलता है कि हम लोग इसी तरह बाहर जा सकते हैं क्योंकि वो पूरी तरह नेकेड होता है। रोनाल्ड जो होता है बोलते हैं तुम्हें ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि अभी इसमें सारे जितने भी स्टोरी लाइन्स होते हैं उन सबका रिस्पेक्ट किया जाता है, भले आप नेकेड ही क्यों ना। जवान बोलते हैं अच्छा अगर मैं टोटली नेकेड हूँ फिर भी मेरे सबको रिस्पेक्ट करेगा, बोलते हैं हाँ इसमें कुछ ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। जवान जो होता है मनी में सोच रहा था कि हाँ ये लोग सही बोल रहे हैं क्योंकि गॉड का स्टैंडर्ड जो है वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट होता है ह्यूमन से, इसलिए यहाँ पे ये लोग सही बोल रहे होते। अच्छा है वो बंदा यानी कैप्टन यहाँ पे नहीं बोलना, वो तो मुझे मार ही डालता क्योंकि उसके लिए ये एकदम से एक नर्क में भेजे जाने वाला जुन है। साथ ही बोलता है कि एबिस में इस तरह नंगे घूमना भी अगर नॉर्मल है तो ये वर्ल्ड जो है काफ़ी ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी होने वाला है। ये एबिस से प्लेस है जहाँ पे फाइनली मैं यहाँ पे आना चाहता था और यहाँ पे पहुँच चुका हूँ, ये तो सच में मुझे काफ़ी ज़्यादा इनक्रेडिबल लग रहा है, मैं यहाँ पे फाइनली आ चुका। और जैसे वो एबिस के अंदर जाता है उसे गिरफ्तार कर दिया जाता है और वहाँ पे दिखाते उससे एक इंस्पेक्टर जो था पूछताछ कर रहा था, बोलता कि मुझे तो अभी विश्वास नहीं हो रहा कि जो तुम कह रहे हो सही है, एक स्टोरी लाइन जिसमें अगर आप नेकेड रहते तो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकते हो, इस तरह का स्टोरी लाइन कौन ही लिखेगा। अगर ये तुम्हारा स्टोरी लाइन है तो इसकी वजह से तुम अपने यूनिक वर्ल्ड में जाकर इंजॉय कर सकते हो, तुम नॉर्मल वर्ल्ड में यहाँ पे अभी इसमें इस तरह से नेकेड होकर नहीं घूम सकते। जो एंडरसन बोलते हैं ये तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंज है, ये तो नॉर्मल स्टोरी लाइन था, ये सब तो मैं कर सकती थी। जवान जो होता है मनी मन बोल रहा था कि मैं तुम्हें मार डालूंगा एक बार, बस मैं यहाँ से बच के निकल जाओ। बोलती रुक जा रुक जा रुक जा, मैंने इस स्टोरी लाइन को रजिस्टर करके यहाँ पे रखा था, इन लोगों को पता है कि मेरा ये जो गेटिंग नेकेड वाला एबिलिटी स्टोरी लाइन है ये रजिस्टर्ड है, इसको कोई मना रोक नहीं सकता। लेकिन तभी यहाँ पे गार्ड आता, बोलता कैप्टन मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये जो बोल रहा है ये सही बोल रहा है, रिकॉर्ड के हिसाब से ये जो स्टोरी लाइन ऑलरेडी रजिस्टर्ड है जिसका नंबर 2531
1 है और ये काफ़ी सालों पहले रजिस्टर किया गया। बोलता है क्या सीरियसली ये रिकॉर्ड में रजिस्टर्ड है? साथ ही वो मतलब बताता है हाँ इसका डॉक्यूमेंट के हिसाब से एक्चुअली ये एक हाई रैंक गॉड था। मैंने बोलता है अच्छा इसका मतलब तुम एक हाई रैंक गॉड हो? बोलती है नहीं 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 मैं एक लो रैंक गॉड हूँ। ये काफ़ी समय पहले की बात है जब हाई रैंक गॉड जो इस नेकेड वाला एबिलिटी को यूज किया करते थे। जो कैप्टन होता है जो पूछताछ कर रहा था बोलता है कि नेकेड एंड एडसन तुम उसके एक अवतार हो है ना, और ये जो बच्चा तुम्हारे बगल में ये तुम्हारा फॉलोवर है। साथ ही वो आगे वो पूछता है कि तुम्हारा जो वर्ल्ड व्यू वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट जैसा कि यहाँ पे रजिस्टर किया गया था। लेकिन कभी रोनाल्ड बीच में टपता है बोलता है कि हमारे गॉड ने इसको रिसेंटली रिक्रूट किया, इसे तक जो वर्ल्ड है वो थोड़ा सा डिफरेंट दिख रहा है। जो एंडरसन बोलती है कि जल्दी जल्दी जो बच्चा बोल रहा है उसमें राजी कर दो, हाँ भर दो, तब हम लोग यहाँ से बच के निकल जाएंगे। जवान बोलता है हाँ ये सही बोल रहा है, हम लोग को अब जाने दे दो। और वो काफ़ी र्यूडली उसको बोलता है कि हम लोग को अब यहाँ से जाने दे दो। लेकिन तभी जो रोनाल्ड जवान के पास आता बोलता है सर जवान प्लीज़ थोड़ा नॉर्मल होकर मतलब आराम से इसे बात करें कि इसका इसका जो ये जिस बंदे का फॉलोअर जिस गॉड का फॉलोअर वो एक हाई रैंक गॉड, इसलिए हम लोग कोई सब पोलाइटली बात करना होगा। जवान बोलता है मुझे इन सबसे फर्क नहीं पड़ता कि ये किस लेवल के रैंक के गॉड का फॉलोअर है या फिर नहीं। बोलता है प्लीज़ 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 थोड़ी देर पर शांत हो जाए, हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे, हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे। थोड़ी देर बाद वो लोग वहाँ से निकल जाते। जवान बोलता है कि फाइनली हम लोग वहाँ से बाहर निकल चुके। जो रोनाल्डो बोलते हैं कि हाँ मैंने कभी सोचा नहीं था कि कैप्टन जो ऐसा बंदा हो। जवान दो आगे एंडरसन से बोलता है कि अभी थोड़ी देर पहले मैं तुम्हारी वजह से लॉकअप में चला गया था, आगे से मैं तुम्हारी कोई भी बात नहीं मानूंगा। एंडरसन जो थी जवान से बोलते कि रुक जा रुक जा, तुम्हें एक इलीगल गॉड, अगर मैं तुम्हारे साथ नहीं होते और तुम अकेले होते तो तुम ये लोग भी तुम्हें यहाँ पे जो है कैद लॉकअप में डाल लेते। जवान बोलता है इलीगल गॉड पर वो कैसे? वो बताते हैं कि यहाँ जितने भी बंदे गॉड ऐसे होते हैं जिसको कि बिग ब्रदर रजिस्टर नहीं करता उन सबको इलीगल गॉड माना जाता है, और एक बार कोई बंदा वो गॉड वाले पावर को अचीव कर लेता तो वो ऑटोमेटिकली बिग ब्रदर के रजिस्ट्रेशन में गॉड के जो उसका रजिस्ट्रेशन हो जाता है। लेकिन तुम्हारे केस में डिफरेंट है क्योंकि तुम्हारे पास सोल बॉडी है तो गॉड बिग ब्रदर जो तुम्हें कभी भी एक गॉड बनने का अपॉर्चुनिटी नहीं देगा। जवान बोलते ये तो काफ़ी ज़्यादा बेकार वर्ल्ड है। लेकिन तुम यहाँ पर दिखाते कुछ बंदे होते हैं वो चिल्ला रहे होते हैं कि तुम काफ़ी ज़्यादा स्लो, जल्दी जल्दी यहाँ से चलो, जल्दी जल्दी यहाँ से चलो, गॉड जो है तुम्हारा वेट कर रहे हैं। वो पर बाकी के जितने भी सोल को वो लोग पकड़ के ले आते हैं फिशिंग करके उन सबको गॉड के पास बेचने के लिए ले जा रहे थे। अब बोलते हैं कि जो यहाँ पर ज़्यादा स्लो होने वाले उन सबको हम लोग स्लेव मार्केट में बेच देंगे, इसलिए अब तुम्हारे ऊपर है कि तुम स्लेव मार्केट में बिकना चाहते हो या फिर गॉड के पास जाना चाहते हैं। जवान पूछता है कि आखिर ये लोग कौन है? जो रोनाल्ड होता है उन सबको बताता है, जवान को बताता है कि ये सब जो न्यू सोल है जिनको इन लोगों ने फिशिंग स्पॉट से पकड़ा होगा, और ये सोल जो काफ़ी ज़्यादा कमजोर लग रहे हैं क्योंकि इन सबको अब ऑक्शन में बेचा जाएगा। अभी ऑक्शन स्टार्ट होने में काफ़ी ज़्यादा वक्त है इसलिए इन लोग को अभी जेल में रखा जाएगा, प्रिजन में रखा जाएगा, और ऑक्शन के समय इन लोग को वापस यहाँ पे लेके आया जाएगा। जो एंडरसन होती है जवान को बताती है कि ये सब जो काफ़ी बेकार तुम्हें लग रहा होगा क्योंकि ये लोग लोगों को मार रहे हैं, सोल को मार रहे हैं, लेकिन अगर ये लोग कोई जो न्यूली फिश्ड सोल है इन लोग को पकड़ के लाएगा, इन लोग के पास कोई गॉड नहीं होगा जिसको ये लोग फॉलो करेंगे, तो इन लोग का सोल जो डिस्ट्रॉय हो जाएगा और ये लोग डार्क सोल में कन्वर्ट हो जाएंगे। साथ ही वो आगे बताते हैं कि जितने भी सोल होते हैं वो इधर मतलब केओस में या फिर एलमाइटी लैंड में बनने के बाद यहाँ पे आते हैं, लेकिन काफ़ी ज़्यादा रेयर चांस ऐसा भी होता है कि कुछ कुछ बंदे जो थे टावर ऑफ नाइटमेयर में मर जाते हैं और सीधा सीधा यहाँ पे एपिस में आ जाते हैं। तभी वहाँ पे दिखाते जवान की तरफ एक पत्थर जो तोड़ता हुआ आता है। जवान जो था उस पत्थर की तरफ देखता है, फिर सामने की तरफ मुड़ के देखता है जितने भी कैदी वहाँ पे जा रहे थे, तो वो काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है। जो रोनाल्डो पूछते सर जवान क्या हुआ? जवान जो था काफ़ी ज़्यादा शौक बोलता है, उसे याद आता है कि उसका एक दोस्त था जिसने उसको बोला होता है आई एम सॉरी पर मुझे वापस जाना होगा, और वो वहाँ से वापस जाता है लेकिन वो वापस नहीं जाता एक्चुअली, वहाँ से खिड़की से कूद के मर जाता है। बोलता है जवान मुझे माफ़ करना। जवान वो होता है सोच रहा था आखिर क्यों, आखिर तुम यहाँ पे कैसे आ सकते? और उस बंदे का नाम होता है किम यून ह्वान, जो कि आपको याद होगा फर्स्ट चैप्टर में जब जवान जो होता है टावर ऑफ नेटमेयर में आता है तो ये बंदा डर जाता है और इस लेवल को आगे नहीं पार कर पाता, और इसके पास रिटर्न स्टोन था जिसकी वजह से ये वापस उस टावर से बाहर निकल सकता है, लेकिन ये एक्चुअली रिटर्न स्टोन का यूज ना करते उस टावर से कूद के अपनी जान दे देता है। और इसके साथ जो एपिसोड होता है ये पेंड हो जाता है। तो आगे की कहानी देखने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पर सेट कर देना, जब न्यू चैप्टर आएगा तो आप उसको देख सकोगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, स्टे हैप्पी, स्प्रेड लव।